सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ डे डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज लाइब्रेरी लेबोरेटरीज कंप्यूटर रूम डिजिटल क्लासरूम्स म्यूजिक वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल डांस क्लासिकल एंड वेस्टर्न स्पोर्ट्स इंडोर एंड आउटडोर सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज 38 वेड़ाहरे आउटर रिंग रोड पोस्ट वेसा नागपुर अवर ब्रांचेस एट रामेश्वरी एंड वेड़ाहरी कॉन्टैक्ट नंबर 7276066999 एंड 7276055999 सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। अपने पद का दुरुपयोग कर एक युवती से अनैतिक संबंध की चाल रखने वाले अकोला के पुलिस निरीक्षक आरोपी धनंजय सारी के खिलाफ नागपुर के नंदनवन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। घटना पर पुलिस विभाग में खलबली मच गई है। महिलाओं की सुरक्षा की जगह पर अगर उनसे ही पुलिस अधिकारी गलत व्यवहार करे तो पुलिस महकमे पर ही सवाल खड़े होने लगते हैं। नंदनवन थाने में दर्ज मामले के अनुसार आरोपी पुलिस निरीक्षक धनंजय सारी उम्र 56 साल धामन गांव अमराती निवासी है। वकुला के खदान पुलिस थाने में कार्यरत है। पीड़ित 22 वर्षीय युवती मूलतः अमरावती जिले की रहने वाली है। उनके पिता पुलिस में ही कार्यरत है। युवती के पिता और आरोपी धनंजय सारी एक ही बैच में थे। इसी वजह से धनंजय का युवती के घर पर आना जाना था। इसी वजह से धनंजय की नजर युवती पर थी। विभागीय परीक्षा देकर वह पुलिस निरीक्षक पद पर पहुंचा। युवती ने एमटेक की पढ़ाई की है। वह पुलिस अधिकारी बनना चाहती है। इसी वजह से नागपुर में रहकर स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करी है। आरोपी सारी ने युवती से मित्रता की। पिछले 5 वर्षों से उनके बीच जान पहचान है। इसी बीच आरोपी युवती से एक तरफा प्यार करने लगा। उसे आईफोन गिफ्ट किया और कई बार आर्थिक मदद भी की, जिसका फायदा यह अधिकारी उठाने जा रहा था। मगर इस मामले में आहत होकर युवती ने मामला दर्ज कर दिया। जो महिलाओं से रिलेटेड इशू है उसमें हमने हमारे जो भी अलग अलग विंग है, पुलिस स्टेशन है, पुलिस दीदी है, ये सब के हमारे हमने बार बार मीटिंग्स किए। उनको यही बताया गया कि हम लोगों को अप्रोच करना चाहिए स्कूल में, कॉलेजेस में, सोसाइटीज़ में, कि हम आपके साथ में, अगर आपको कोई भी इंटरनेट पे या फिर आपको कोई तकलीफ देते हैं, स्टॉकिंग करते हैं, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दीजिए और हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो इसमें अवेयरनेस भी और कानूनी तरीके से भी हर तरफ से हम लोग उसमें कार्रवाई करते हैं। सर देखिए, जैसे मैंने बताया कि उसमें जो केस दाखिल हो गया है और उसके बाद में आगे एक कार्रवाई चल रही है उसके ऊपर, हमें पीसी के बाद में या फिर अगर पीसी कितने दिन की मिलती है, और बाकी उसके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन जो है वो भी स्ट्रॉन्ग लिया जाए, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। इन घटनाओं से समझा जा सकता है कि कोई अपने पहचान का और पद का दुरुपयोग कैसे कर सकता है। जरूरत है कि कोई व्यक्ति अपनी मर्यादा से आगे बढ़ रहा हो, तभी महिलाओं ने सतर्क होकर परिवार को इस बारे में जानकारी दे देना चाहिए। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।